सर्वाइवर सीरीज के अंदर बिगी और रोमन रेंस फाइनली भाई आमने सामने आने वाले हैं। देन रॉक की 25th एनिवर्सरी कंप्लीट होने वाली है, वहां पर WWE ने क्या सरप्राइज रखा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो कि भाई सर्वाइवर सीरीज में हमें देखने को मिलेगी। कौन से मैच के अंदर कौन जीतेगा, किसके रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या पॉसिबल चीजें हमें देखने को मिल सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर, सब करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस, क्योंकि यह है सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शन वीडियो। तो स्टार्ट इस वीडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो फिर हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, नाम पैक विद अ न्यू वीडियो। स्ट्रेट अवे चलते हैं सबसे पहले मैच की तरफ, और सबसे पहला मैच जिसको हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं यहाँ पर वो होगा डैमियन प्रिस्ट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और यूनाइटेड स्टेट चैंपियन के बीच में ये मैच होने वाला है। इस मैच से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बिल्डअप के नाम पे तो भाई WWE ने कुछ दिखाया ही नहीं है। सिंपली एक मैच होने वाला है US चैंपियन और IC चैंपियन के बीच में, और अगर सीधे सीधे विनर पर आए तो मुझे लगता है डैमियन प्रिस्ट इस मैच को जीतने वाले हैं। अगले मैच की तरफ चलते हैं जो कि होगा रॉ वुमेन्स चैंपियन और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन के बीच, बैकी लैंच और शार्लोट फ्लेयर एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं, और इस मैच में काफी कुछ एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, बिकॉज WWE ऑलरेडी यहाँ पर रिपोर्ट्स के हिसाब से WWE इस मैच को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है क्योस। अब क्या होने वाला है क्योस? क्या कोई यहाँ पर रिटर्न हमें देखने को मिलेगी, या क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ एंड में होगा? मेरे हिसाब से रिटर्न तो यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा है किसी की, होगी हो भी सकती है वैसे, बट उसके चांसेस मैं कम बोलूंगा। बट आई थिंक मैच के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है। इनकी फाइट में भी हो सकता है कि नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाए, कोई भी जीते ना, और दोनों मतलब यू नो रूल्स वगैरह तोड़ दे, रेफरी रोक दे मैच, बट स्टिल ये दोनों ना रुके, तो कुछ ऐसा हो सकता है मैच लास्ट में। बाकी अगर विनर प्रेडिक्ट करना है तो मेरे हिसाब से बैकी लाइन शायद इस मैच को जीत जाएगी। देन अगले मैच में आरके ब्रोज एंड उसोज होंगे आमने सामने। ये मैच में आप काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंपटीशन तो भाई अलग ही लेवल का होगा। उसोज जब किसी मैच के अंदर होते हैं तो भाई अलग ही लेवल होता है उस मैच का, तो रेसलिंग वाइज तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या इसमें रोमन रेंज की इन्वॉल्वमेंट होगी? मुझे लगता नहीं कि शायद इसमें रोमन रेंज कहीं से भी इन्वॉल्व होने वाले। आई थिंक ये नॉर्मल मैच होने वाला है, और यहाँ पर जीत कोई भी सकता है, उसोज को भी जीता सकती है WWE, और WWE आरके ब्रोज को भी जीता सकती है। तो दोनों के मेरे हिसाब से तो भाई 50-50 चांस है, बट अगर किसी एक को पिक करना है यहाँ पर तो मुझे लगता है शायद आरके ब्रोज इस मैच को जीत जाएंगे, और उसके बाद भाई रोमन रेंज क्या करने वाले हैं उसोज के साथ, तो वो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी उनके लिए। तो उनको ये मैच जीतना होगा हर हाल में, नहीं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा कि चांसेस उनके भी उतने ही हैं जितने आरके ब्रोस के, बट मेरे को अगर यहाँ पर पिक करना है तो मैं आरके ब्रोस को यहाँ पर पिक करता हूँ। अगले मैच पर चलते हैं और अब आते हैं भाई एलिमिनेशन मैचेस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे वुमेन्स 5-on-5 एलिमिनेशन मैच के बारे में। अब ये मैच ऐसा होता है जहां पर भाई आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई भी आ सकता है, यू नेवर नो भाई, कोई लास्ट मिनट बंदा भाई आए ना मैच के अंदर, उसके बदले कोई और आ जाए। तो भाई ये ऐसी चीजें हमने देखी है सर्वाइवर सीरीज के अंदर पहले, तो ऐसा कुछ मेरे हिसाब से इस बार शायद ना हो, बट मैच के अंदर आप काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस मैच से अगर मैं बोलूं तो आई थिंक इस मैच में अच्छी खासी रेसलर्स है दोनों टीम की तरफ, बट अगर मैं फेवरेट यहाँ पर बताऊं और मेरे हिसाब से अगर विनर मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करूं स्ट्रेट अवे, तो आई थिंक रॉ के ज्यादा चांसेस है जीतने के। मेरे हिसाब से रॉ इस मैच को जीतेगी, जहां पर बियांका ब्लेयर, रिया रिपली, लिव मॉर्गन, कार्मेला और क्वीन ज़ेलिना है। सो आई थिंक रॉ इस मैच में मेरे हिसाब से जीतने वाली है। चलते हैं भाई मेंस वाले सर्वाइवर सीरीज मैच की तरफ। यहाँ पर हम देखें तो भाई दोनों ही टीमों में थोड़ा बहुत फर्क तो नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत क्या मतलब काफी फर्क है, मतलब रॉ की टीम तो बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है। अब लास्ट में उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी डाल दिया, तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब वीक लिंक बोल सकते हो उनको आप रॉ की। बाकी अगर आप स्मैकडाउन की तरफ देखें तो वहां पर भाई ड्रू मैकइंटायर, जेफ हार्डी ही लग रहे हैं, बाकी तो मतलब ऐसे ही लग रहे हैं। ऑफ कोर्स या शीमस ऐड हो गए हैं, तो शीमस ने भी इस मैच में मतलब जान डाल दी है, और आई थिंक मैच तो ठीक ठाक लग रहा है। काफी लोग रॉ को मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रॉ तो इजीली इस मैच को जीत जाएगी जिस तरीके से वहां पर सुपर स्टार्स है, बट मैं बोलूं भाई रॉ में अगर आप देखो तो केविन ओवेंस, फिन बैलर को तो WWE कभी भी मतलब यू नो उनको एलिमिनेट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। बॉबी लेसले हैं, बॉबी लेसले ऑफ कोर्स बड़ी थ्रेट है, बट बॉबी लेसले के सामने भाई ड्रू मैकइंटायर है, तो वो तो एक ही क्लेमोर मारेंगे तो वो काम खत्म कर सकते हैं बॉबी लेसले का। ऑस्टिन थ्योरी कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं है। देन इसके अलावा सेथ रॉलिंस बचते हैं। इधर अगर आप देखो तो भाई ड्रू मैकइंटायर है, तो आई थिंक ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच में लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है क्लैश। और यहाँ पर कौन फेवरेट है? मेरे हिसाब से ड्रू मैकइंटायर। आई थिंक सर्वाइवर सीरीज के जो मैचेस होते हैं ना, यहाँ पर कभी भी ऐसी कोई टीम फेवरेट नहीं होती है जिसके अंदर ज्यादा बड़े बड़े सुपर स्टार है। यहाँ पर कोई छोटे सुपर स्टार वाली टीम भी जीत जाती है, वो हमने पास्ट में देखा है। जब एलिमिनेशन होती है तो भाई एक के बाद एक के बाद एक हो जाती है, मतलब एक ही बंदा 3-4 बंदों को लेके चले जाता है, तो इस तरीके से भी हमने मैचेस देखे हैं। तो यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ये काम कर सकते हैं कि WWE को मैच जितवाना हो स्मैकडाउन को। और बाकी जो दूसरी तरफ है वो फिन बैलर, केविन ओवेंस मेरे फेवरेट है, बट WWE भाई उनको एलिमिनेट करने में थोड़ा सा भी नहीं सोची कि भाई एकदम ही कर देगी, तो ऐसा कोई बड़ी बात बॉबी लैशले को भी कर ही देंगे। तो इस हिसाब से भाई मेरे हिसाब से तो स्मैकडाउन फेवरेट है। आई थिंक मेरी अगर प्रेडिक्शन जाती है तो भाई मेरे हिसाब से स्मैकडाउन इस मैच को जीतने वाली है। बाकी भाई आपको क्या लग रहा है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी क्या प्रेडिक्शन है। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट के अंदर हमें बिगी वर्सेज रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला है। WWE चैंपियन एक तरफ, यूनिवर्सल चैंपियन एक तरफ, काफी कमाल का ये मैच होगा, बड़ा मैच है, दो बड़े सुपरस्टार है। बिगी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई की अपनी लेवल को इंक्रीज करने की, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की, बिकॉज उनके सामने रोमन रेंस होने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा, बड़ा मैच होगा। यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो भाई सारी लाइंस खुली है, सारी विंडोज खुली है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इस मैच के अंदर। कोई सरप्राइज रिटर्न, कोई सरप्राइज इंटरफेरेंस, कुछ भी हो सकता है। क्या रॉक इस मैच में इंटरफेयर होंगे? आई थिंक ये सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज है और भाई रॉक की 25th एनिवर्सरी है, तो ये मौका भी बनता है। बट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर
अंदर बताया था कि भाई रॉक के साथ चीजें क्या है, तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि रॉक आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं, क्या करेंगे आकर, तो उस चीज के लिए आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाहूंगा कि रॉक आई थिंक आ सकते हैं इस पेपर व्यू के अंदर, बट चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। लास्ट मिनट आ सकते हैं, अगर आते हैं मेरे हिसाब से तो भाई लास्ट में आएंगे वो, जब मैच वैच खत्म हो जाएगा उसके बाद आकर एक फेस ऑफ दे सकते हैं रोमन रेंज को, तो वैसा वो कुछ कर सकते हैं। इंटरफेयर करेंगे ये चांसेस तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो मैच में इंटरफेयर करेंगे। बाकी इसके अलावा इस मैच की अगर प्रिडिक्शन की बात करें विनर, तो आई थिंक वो काफी इजी है, बिकॉज रोमन रेंज ही जीतेंगे इस मैच में, ये सबको पता है। आई डोंट थिंक ये बिग इस मैच में जीतेंगे, तो रोमन रेंज इस मैच को जीत जाएंगे इजीली। बाकी इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है उसोस की और उधर न्यू डेज की, तो इनके बीच में हो सकता है कुछ मैच के बीच में, तो वैसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से विनर तो सिंपल है, रोमन रेंज इस मैच को जीत जाएंगे। बिग ई अच्छा खासा मैच देंगे, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देंगे, ऐसे मोमेंट्स आएंगे इस मैच में जहां पर लगेगा कि भाई बिग ई इस मैच को जीत रहे हैं। हो सकता है रोमन रेंज चीटिंग से जीते हैं, जैसे भी जीते हैं, बट आई थिंक रोमन रेंज जीत ही जाएंगे इस मैच को। बाकी रॉक के बारे में जानना है तो लास्ट वीडियो देख लेना, आई बटन में भी दे दूंगा, तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना। रॉक के अलावा किसी की इंटरफेरेंस या फिर किसी का सरप्राइज रिटर्न ये वो सो मुश्किल है, बट ऑफकोर्स सर्वाइवल सीरीज जिस तरीके से WWE अपने लास्ट कुछ पेपर व्यूज दिखा रही है, बड़े पेपर व्यूज दिखा रही है, वहां पर WWE ने हमें कोई बड़े सरप्राइजेस रिटर्न्स दिखाए हैं, चाहे वो ब्रॉक लेसनर का हो, जॉन सीना का हो। तो यहाँ पर अगर सर्वाइवल सीरीज को भी WWE को इसी तरीके से एंड करना है, तो आई थिंक रॉक एक बड़े नाम होंगे और एक परफेक्ट नाम होंगे। बाकी रॉक के बारे में अगर बोलूं तो अगर रॉक अपेयर नहीं हो रहे हैं शो के अंदर, तो उनकी एक वीडियो दिखाई जाएगी, क्लिप दिखाई जाएगी, जहां पर रॉक एक मैसेज दे सकते हैं। उस मैसेज के अंदर वो रोमन रेंज के बारे में कुछ बोल सकते हैं, मे बी उनको चैलेंज कर दे या फिर उनको बताएं भाई कि वही मैं हूं, मतलब तो यू नो कुछ भी हो सकता है। रोमन रेंज के बारे में वो कुछ ना कुछ बोलेंगे अगर वो यहां पर अपेयर होते हैं। मैच को WWE हाइप कर सकती है इन दोनों के, जो कि रेसलमेनिया में पॉसिबली देखने को मिलेगा अगले साल या उससे अगले साल, बट होगा इनका मैच। बाकी आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सर्वाइवर सीरीज से। और हाँ, एक और चीज आप हो सकती है यहाँ पर, मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई कोई एक ही ब्रांड सारे मैच जीत जाए, हो सकता है वो स्मैकडाउन हो, चांसेस ज्यादा स्मैकडाउन के हैं, बट रॉ भी ऐसा काम कर सकता है ताकि भाई रोमन रेंज एंड कंपनी को गुस्सा आए थोड़ा। तो कुछ इस तरीके से WWE कर सकती है, एक ही ब्रांड भी सारे मैचेस जीत सकता है, ऐसा हो सकता है, तो इसकी भी मैं चांसेस रखूंगा, इसको भी आप उम्मीद लगा सकते हो इस चीज की भी कि ये भी हो सकता है। बाकी आप अपनी प्रिडिक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है, क्या होगा, कौन किस मैच को जीतेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रिडिक्शन बता सकते हो। यही सब था इस वीडियो के अंदर, वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सबसे पहले कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, टिल देन कीप फायरिंग।